आरडी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 12th है, चैप्टर 5, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, इसमें एक्सरसाइज 5.5 देख रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज में कुछ शब्द आएंगे, पहले मैं वो आपको बता दूं। अगर आपने इसकी थ्योरी देखी है तो आपको आइडिया लग जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूं कि जो भी मैट्रिक्स होती है, जैसे ये मैट्रिक्स है, अब इस क्वेश्चन को ही देख के मैं समझा देता हूं आपको। ए यदि है 2, 4, 3, 5, तो आपको प्रूव करना है कि a माइनस ए टू द पावर टी, इसको हम a ट्रांसपोज भी कहते हैं, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये मैंने आप एक मैट्रिक्स लिखा, ये आपका 2, 3, 4 और 5, अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है रो को आपको कॉलम में बदल देना है। ये रो है, इसको आप कॉलम में बदल दीजिए, यानी ये ऐसे कॉलम में बदल दीजिए। तो इसको अगर मैं ऐसे कॉलम में बदल दूंगा तो यहां क्या आएगा, यहां 2 आएगा और यहां 3 आएगा। इसी तरीके से इस रो को हम यहां कॉलम में बदल देंगे, यहां 4 आ जाएगा और यहां 5 आ जाएगा, बन गया ये। तो रो को कॉलम में बदला हमने, तो जो मैट्रिक्स आता है, अगर जैसे ये ए मैट्रिक्स है और ये हमने इसको कहा कि ये ए ट्रांसपोज है, दोनों ये बराबर है तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन अगर बाय चांस ये ए ट्रांसपोज नेगेटिव आ जाता ए का, यानी ए ट्रांसपोज नेगेटिव आ जाता ए का, तब हम कहते कि ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है जी, तो देखिए ए निकाल लिया, ये ए था और ये ए ट्रांसपोज है। क्वेश्चन में पूछा गया है ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है क्या, तो a माइनस ए टी आपको करना पड़ेगा और a माइनस ए टी का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। यानी कि पहले मैं a इन दोनों को माइनस कर दूं, डायरेक्ट कर देता हूं, 2 माइनस 2 0, ये 2 माइनस 2 0 हो गया, फिर 3 माइनस 4 माइनस 1 हो गया, 3 माइनस 4 माइनस 1, यस 4 माइनस 3 कितना हुआ 1, और 5 माइनस 5 0, ये क्या हुआ आपका, ये हमने निकाला a माइनस ए ट्रांसपोज। अब हम a माइनस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालेंगे, जैसे हमने एक a का एक a ट्रांसपोज निकाला था ना। अब इन्होंने ये पूरी एक मैट्रिक्स बताई है, तो यहां पर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो रो को कॉलम में बदल देंगे, मतलब 0, 1 जो रो में है उसको कॉलम में कर देंगे, 0, -1 हो गया यहां पे, ये रो में है तो इसको हम कॉलम में बदल देंगे, यानी कि 1 यहां आ जाएगा, 0 यहां आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इससे माइनस लेता हूं बाहर तो क्या आएगा, अगर मैं इससे माइनस बाहर लेता हूं, या कहो कहिए कि मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या आएगा, 0, ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या था, ये तो a माइनस ए टी है ना, ये क्या है, a माइनस ए टी। यानी जब ये a माइनस ए की पावर t, यानी कि a ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ a माइनस ए की पावर ट्रांसपोज आ जाए, इसका मतलब कि ये a माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। क्लियर, अब a आपको दिया है, a माइनस ए ट्रांसपोज ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है क्या नहीं, तो क्योंकि जस्ट हमने ऐसा क्वेश्चन किया है तो मैं आपको यही बता देता हूं। इसको आप a लीजिए, इसका ट्रांसपोज लीजिए, यानी कि 3 माइनस 4 यहां आ जाएगा, 1 माइनस 1 यहां आ जाएगा। अब a से a की पावर t, यानी कि a ट्रांसपोज घटा दीजिए, जब इनको घटाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ये वैल्यू आएगी। ओके, अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी कि ये 0 माइनस 5 यहां आ जाएगा, यानी ये जो है इसका ट्रांसपोज निकालना, 0 माइनस 5 यहां आ जाएगा, 5 0 यहां आ जाएगा। अब इससे माइनस बाहर ले लीजिए, या ये कहिए कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप देखेंगे माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो है ओरिजिनल मैट्रिक्स जो ए माइनस ए टी था वही आ जाएगा, ये इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक फिर से बता देता हूं, यदि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है और a की पावर आप t निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, और ये नेगेटिव ऑफ a आ जाता है, तो आप कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इफ द मैट्रिक्स a इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड x, y, z एंड t। जैसे मैंने आपको स्क्यू सिमेट्रिक बताया, उसी तरीके से सिमेट्रिक मैट्रिक ये होता है कि आप a मैट्रिक लीजिए और a का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, ये लेंगे, ये 5 2 x y z -3,
फोर टी माइनस सेवन, और इसका ट्रांसपोज कर देंगे, यानी ए ले लिया हमने, ए ट्रांसपोज कर देंगे और दोनों को बराबर रख देंगे, ठीक है जी। तो इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, ये जो रो है फाइव टू एक्स, ये कॉलम बन जाएगी, तो फाइव यहां आएगा, टू यहां आएगा और एक्स यहां आएगा। इसी तरीके से इसके साथ करेंगे, वाई यहां आ जाएगा, जेड यहां आ जाएगा और माइनस थ्री यहां आ जाएगा। इस तरीके से फोर टी माइनस सेवन, तो फोर यहां आ गया, टी यहां आ गया, माइनस सेवन यहां। अब दोनों को इक्वल कर दीजिए और देख लीजिए क्या क्या वैल्यू आ रही है। एक्स क्या हो गया, यहां मैं बता देता हूं डायरेक्शन देके आपको कैसे कैसे वैल्यू आ रही है। एक्स हो गया आपका चार, वाई हो गया आपका दो, और टी हो गया आपका माइनस थ्री, और एक्स हो गया आपका चार, खैर मिल ही गया आपको, एक्स मिल गया, वाई मिल गया, जेड क्या था आपका, जेड इसमें एक बज गया है, तो जेड आपका जेड के बराबर ही है, क्योंकि जेड की कोई वैल्यू तो इक्वेट नहीं हो रही है, तो आप जेड को जेड ही लिखेंगे, बाकी की वैल्यू लिख देंगे जैसे यहां लिखा हुआ। यदि एक जो मैट्रिक्स है ए वो ये है, फाइंड मैट्रिसेस एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल्स ए, वेयर एक्स इज अ सिमेट्रिक एंड वाई इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, देखिए इसमें करते क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन में हमारा तरीका यह होता है कि हम ए लेंगे और ए रेस टी लिखेंगे, तो फाइंड मैट्रिसेस एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज ए, तो इन दोनों को जोड़ के ए आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के ए आना चाहिए, तो उसको कैसे कर सकते हैं। देखिए ए मैट्रिक्स लाना, एक्स को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एक्स को मैं क्या लिख रहा हूं वो ध्यान से देखिए, मैं एक्स को लिख रहा हूं हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, वाई को लिख रहे हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज, और इसको भी हाफ कर दिया। ये क्यों किया कि जब हम एक्स और वाई को जोड़ेंगे, एक्स प्लस वाई करेंगे, तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये होगा हाफ, यहां से ले लीजिए हाफ, बाहर ले लेता हूं अभी, ए प्लस ए टी, तो यहां से ये आएगा ए माइनस ए टी, ये दोनों हो गए कैंसिल, ये आ गया टू ए, हाफ बाहर था ही। अब आपको समझ में आया कि एक्स और वाई हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये ए के बराबर आना चाहिए, यही इन्होंने कहा है। ओके, अब आपको क्या करना है कि एक्स को कैसे बनाना है, मैं एक्स बना के दिखाता हूं, वाई आप खुद ही बना लेंगे, तो एक्स बना के दिखाता हूं, एक्स आपका होगा, पहले आप ए है, ए ट्रांसपोज निकालिए, तो ए ट्रांसपोज मैं यहां निकाल देता हूं, ए ट्रांसपोज का मतलब ये होगा, देखिए ए ट्रांसपोज हो जाएगा आपका थ्री टू सेवन यहां आ जाएगा, वन फोर थ्री यहां आ जाएगा, और माइनस टू फाइव एट यहां आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया, ए ट्रांसपोज आ गया, एक्स कैसे लिखेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे पहले, तो मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख रहा हूं पहले, एक्स क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज और इसका हाफ, तो मैं पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख देता हूं, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तीन और तीन कितना हो गया, ये आपका छे, ऐसे ऐसे करेंगे ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तीन और तीन आपका हो गया छ, दो और एक हो गया तीन, सेवन और माइनस टू हो गया फाइव, एक और दो हो गया तीन, चार और चार हो गया आठ, तीन और पांच हो गया आठ, और माइनस टू और सेवन हो गया फाइव, फाइव और थ्री हो गया एट, एट और एट हो गया सिक्सटीन, ये आपका हो गया तीन और तीन छः, ये सात पांच, एक रीचेक कर रहा हूँ मैं, थ्री कहीं गलत ना हो जाए, आठ सात और माइनस दो आपका पांच आठ और ये ठीक। अब वो क्या करना है, इसका हाफ करना है, यानी कि इन सब को इसका हाफ करना है, तो सबको हाफ कर दीजिए, ये हो जाएगा जो जो है वो तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सिक्स बाय टू थ्री हो गया, ये थ्री बाय टू हो जाएगा, ये फाइव बाय टू हो जाएगा, ये आपका थ्री बाय टू हो जाएगा, ये आपका एट बाय टू फोर, एट बाय टू फोर, फाइव बाय टू, ये एट बाय टू फोर, और अट्ठारह सोलह दो, दो से डिवाइड करेंगे तो ये आठ आ जाएगा, ये हो गया, ये क्या हो गया आपका एक्स हो गया। इसी तरीके से वाई निकाल लेंगे, वाई मैं झटपट बता देता हूँ आपको। अब आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, थ्री माइनस थ्री
टू माइनस वन, सेवन माइनस वन, माइनस टू, इस तरीके से माइनस करना है। ये जो ए मैंने एक्स बताया और ए बताया और ए ट्रांसपोज, इसको माइनस करना, ये वैल्यू आ जाएगी कैसे, हाफ कर डिवाइड करने के बाद। तो एक्स और वाई आपके आ गया। अब यहां तक काम नहीं हुआ अभी आपको, है ना। अब एक्स का ट्रांसपोज लेना है आपको, वाई डैश का भी ट्रांसपोज लेना है आपको, और फिर जब एक्स और वाई का ट्रांसपोज लेंगे तो एक्स का ट्रांसपोज एक्स के बराबर आना चाहिए। यानी जब आपने ये किया ना, इसका इस एक्स का ट्रांसपोज लीजिए, इसका भी वाई का ट्रांसपोज लीजिए, और जब एक्स का ट्रांसपोज एक्स आ जाएगा, वाई का ट्रांसपोज वाई आ जाएगा, तभी तो आप कह सकते हैं कि भाई ये सिमेट्रिक है। ओके, एक्स सिमेट्रिक है और वाई आपका, एक चीज बता दूं आपको, इन्होंने कहा है कि एक्स सिमेट्रिक है, तो जो भी आपका एक्स आएगा, जैसे ये हमारा एक्स आ गया ना, अब इसको ये जो एक्स है इसको मैं ट्रांसपोज कर देता हूं, देखिए क्या आता है, ये जाएगा आपका रो बनेगा, थ्री थ्री बाई टू और फाइव बाई टू, ये रो बनेगा थ्री बाई टू फोर फोर और फाइव बाई टू फोर एट, फाइव बाई टू फोर एट। आप देखिए ये बिल्कुल सेम है क्या, नहीं है, दोनों सेम है। तो यहां पर ये, इसको अगर मैं एक्स कह रहा हूं तो ये आपका एक्स ट्रांसपोज दोनों बराबर आ गए। इसी तरीके से जब आप वाई ट्रांसपोज निकालेंगे तो आप देखिएगा कि वाई जो होगा वो माइनस वाई के बराबर आएगा। वाई जो मैंने अभी आपको बताया कैसे निकालना है, इसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, है ना। तो इसीलिए ये जो आपका वाई है वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, नेगेटिव आएगा, ध्यान रखिएगा नेगेटिव वाई आएगा ये। अच्छा, ये हो गया। अब फाइनली आपको क्या करना है, एक्स और वाई को जोड़ देना है, क्योंकि इन्होंने कहा है एक्स और वाई को जोड़ना है, और एक्स और वाई को ही तो फाइनल जोड़ना था हमको। तो यहां एक्स हम, मैंने बताया आपको कैसे निकाला, ये एक्स तो बता ही दिया, और ये प्रूफ करके भी दिखाना है कि एक्स की पावर टी और वाई की पावर टी आपका एक्स और माइनस वाई आता है। फिर एक्स और वाई को जोड़ दीजिए, ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए, आपका ए आ जाएगा, फाइनल मैट्रिक्स यही निकल के आएगा, एक्स और वाई यहां पर मिल गया। अब एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए साहब एक काम करते हैं कि इसको मैं प्रॉपर कर देता हूं, ताकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपको पूरा आइडिया लग जाए कि ये कैसे हुआ है। इसको हम प्रॉपर कर लेते हैं एक एक करके थोड़ा इससे। हमारा ये ए मैट्रिक्स है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि हम एक एक्स लेंगे, वो होगा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और वाई ये होगा हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। आपको मैंने बता दिया ये क्यों लिया था, दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये ट्वाइस ए आएगा, डिवाइड बाय टू है तो ए हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई हमारा ए के बराबर आ जाएगा, इसलिए ये लेना है। तो पहली चीज इसमें क्या करनी है, सबसे पहले आपको एक्स निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ए ट्रांसपोज कर लेते हैं, ये आपका ए है, इसको यहां लिख देता हूं, फोर टू माइनस वन थ्री फाइव सेवन और वन माइनस टू वन, इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, रो और रो कॉलम बन जाएगी ना। तो ये फोर टू माइनस वन, ये थ्री फाइव सेवन और ये वन माइनस टू वन। देखिए ये ए है, ये ए रेस टी यानी कि ट्रांसपोज है, इन दोनों का आपको एडिशन करना है। इसका एडिशन करके मैं यहां लिख रहा हूं, यहां फोर प्लस फोर, फोर प्लस फोर एट, थ्री प्लस टू फाइव, माइनस वन वन जीरो, थ्री और टू फाइव, फाइव और फाइव टेन, सेवन माइनस टू फाइव, वन और माइनस वन जीरो, माइनस टू और सेवन फाइव, और ये क्या है आपका वन है, वन माइनस वन जीरो। तो आपका फाइनल क्या आ गया कि ये वैल्यू आ गई। अब इसको हाफ से डिवाइड कर दीजिए सबको, मतलब ये ए है ए टी है, इन दोनों को जोड़ के आपको क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, ये हाफ हो जाएगा हाफ। तो फाइनल जो बनेगा वो अभी मैं लिखता हूं, ये बन जाएगा आपका फोर, ये फोर, ये फोर और ये फाइव बाई टू जीरो, ये बनेगा फाइव बाई टू फाइव, फाइव बाई टू ये जीरो, ये फाइव बाई टू और ये जीरो, वन और वन को जोड़ेंगे तो टू बनेगा ना, टू बाई टू ये वन हो जाएगा। ओके, ये आ गया आपका। देखिए ये जो है हाफ ए प्लस ए टी किया है,
ये फाइनल आ गया, ये आपका एक्स है, ये एक्स आया अभी, ये जो है ये दिस इज एक्स। अब वाई निकालते हैं, वाई कैसे करेंगे, यही पे कर देता हूं इसको, वाई में हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो फोर मैं यहां लिख देता हूं, ये वाला काम जो है आपका हो गया एक्स के लिए। अब ये आपका हो गया, इनको माइनस कर रहे हैं, फोर माइनस फोर, फोर माइनस फोर कितना हुआ जीरो, और टू माइनस थ्री कितना हुआ माइनस वन, माइनस वन और माइनस, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू, थ्री माइनस टू वन, फाइव माइनस फाइव जीरो, सेवन माइनस और माइनस टू नाइन, वन माइनस ऑफ माइनस वन टू, टू माइनस टू ऑफ माइनस सेवन माइनस नाइन, और वन माइनस वन, अब यहां पर जीरो आएगा। ओके, अब इसको ये जो आया है आपका, ये आया है ए की पावर, ये जो है ये ए था और ये ए की पावर टी है, तो आपने ए ए माइनस ए ए की पावर टी, ए माइनस ए की पावर टी किया, तो ये आपका जो आया है वो है ए माइनस ए की पावर टी। ठीक है जी, ये अभी हुआ नहीं है, इसको हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हाफ से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सबको हाफ से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका जीरो, ये आपका माइनस हाफ, माइनस टू ये माइनस वन, ये आपका हाफ, जीरो तो जीरो ही रहेगा, ये नाइन बाय टू, टू बाय टू वन हो जाएगा, माइनस नाइन बाय टू ये आ जाएगा, और ये आपका जीरो। ओके, ये आपका आ गया आपका वाई, ये जो आया है ये आपका वाई आ गया, ये आपका एक्स आ गया। अब आपको क्या करना है, एक सिमेट्रिक होना चाहिए, एक स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए, वैसे तो इन दोनों को जोड़ के आप आंसर लिख देंगे, ये एक्स आया ये वाई आया है, लेकिन आपको ये भी तो प्रूव करना बताना है कि ये सिमेट्रिक है, ये एक इसमें सिमेट्रिक है एक इसमें स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब हम इसका पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे और इसका ट्रांसपोज लेंगे, कहने का मतलब हम पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो इसका ट्रांसपोज क्या आता है भाई, देख लीजिए, इसका ट्रांसपोज आ रहा है ये जीरो माइनस वन माइनस वन, जीरो माइनस वन माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू और ये माइनस वन, ये हो गया, फिर हाफ जीरो नाइन बाय टू, और ये रो ये कॉलम बनेगी, तो वन माइनस नाइन बाय टू और जीरो। अब देखिएगा, इससे इसको मैं माइनस वन बाहर ले रहा हूं, इससे माइनस वन बाहर लूंगा तो क्या आएगा, सारे साइन चेंज कर दीजिए, जीरो माइनस हाफ माइनस वन, हाफ जीरो माइनस नाइन बाय टू और वन और माइनस नाइन बाय टू और जीरो। क्या आपको ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, y का जो y ट्रांसपोज लिया हमने, जो y ट्रांसपोज लिया तो ये आया क्या, ये तो y माइनस वाई के बराबर आया, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर दिया मैंने। यहां पर आ जाइए, अब हम x का ट्रांसपोज लेने वाले हैं, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेने के लिए ये ले लेते हैं, इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, क्या आ रहा है जी, ये रो ये कॉलम बना दीजिए, फोर फाइव बाय टू और जीरो, ये फाइव बाय टू, ये फाइव और ये फाइव बाई टू, ये जीरो फाइव बाई टू और वन, ये इसका ट्रांसपोज कर दिया मैंने। अब आप देखिए क्या ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम है, यानी एक्स और एक्स ट्रांसपोज बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब क्लियर हो गया, अब ये आपका था एक्स और ये आपका था वाई, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दूं मैं यहीं पर जोड़ देता हूं डायरेक्ट, ठीक है, तो फोर प्लस जीरो फोर, डायरेक्ट जोड़ रहा हूं जी, इसको और इसको, फोर प्लस जीरो जीरो फोर, फाइव बाई टू और माइनस वन बाई टू, ये फाइव बाई टू और माइनस वन बाई टू डायरेक्ट टू आएगा, मैं बताता हूं कैसे, फाइव बाई टू माइनस वन बाई टू अगर आप करेंगे तो टू इसका एलसीएम लीजिए, फाइव माइनस वन होता है फोर, ये आपका टू आएगा। इसी तरीके से आपका ये नेक्स्ट वाला क्या हुआ, माइनस वन और ये जीरो, माइनस वन और जीरो तो माइनस वन आएगा, जोड़ देंगे, फिर फाइव बाय टू और वन बाय टू, इसको भी फाइव प्लस वन बाय फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स बाय टू थ्री, थ्री हो जाएगा, फिर जीरो प्लस फाइव हो गया फाइव, नाइन बाय टू प्लस फाइव बाय टू, नाइन प्लस फाइव होता है चौदह, चौदह डिवाइड बाय टू सेवन हो जाता है। अब वन और जीरो वन हो जाएगा, टू और फाइव बाय टू, ये जरा थोड़ा सा आपको माइनस नाइन बाय टू और फाइव बाय टू, माइनस नाइन बाई टू और फाइव बाई टू, ये कितना आएगा, फाइव माइनस नाइन बाई टू यानी कि माइनस फोर बाई टू यानी कि माइनस टू, माइनस टू आएगा यहाँ पर, और जीरो माइनस वन ये आपका
जीरो प्लस वन, ये हो गया, ये आपका आ गया एक्स प्लस वन। एक्स इसमें सिमेट्रिक है, वाई आपका इसका स्क्यू सिमेट्रिक है, एक्स को हमने लिया ये, वाई को हमने लिया ये, ऐसे होगा सारा। तो ये जो है पहले वाला जो क्वेश्चन है इस तरीके से ही है, हमने ये भी कर दिया पूरा वन बाय वन। अगला है डिफाइन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव दैट दिस, ए अगर ये है तो ए प्लस जो ए ट्रांसपोज है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वेयर ए टी ट्रांसपोज है ए का। देखिए इसमें होना ये है, आपको सीधा लिखना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जब उसका ट्रांसपोज लेंगे और वही मैट्रिक्स आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज लेंगे और वही मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि आपको ये बताना है ए प्लस ए टी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए आपका क्या है 2 4 5 6, ए टी क्या होगा, इस रो को कॉलम कर दीजिए तो 2 4 हो गया, इस रो को कॉलम बना दीजिए 5 6 हो गया। अब इस ये ए की पावर टी है, ए तो ये है ही, तो ए की पावर टी में ए जोड़ देता हूं, यानी कि मैं इसमें ए जोड़ देता हूं, 2 5 4 6 क्या बन गया साहब, ये बन गया आपका 2 2 4 5 4 9 5 4 9 और 6 6 12, ये हो गया, ये आपका ए ए की पावर टी है। अब इसका ट्रांसपोज करना, ये इस ये पूरा एक मैट्रिक्स बन गया ना, इसको आप एक्स कह सकते हो, ये एक्स है तो एक्स का ट्रांसपोज हम करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ये ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि एक्स का ये अगर एक्स मान ले तो एक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ये रो कॉलम बन जाएगी 4 9 और ये हो जाएगा 9 4 9 यहाँ आ जाएगा 9 12 ऐसे हो जाएगा। तो आप देखिए ये आपका एक्स ट्रांसपोज जो किया वो एक्स के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब ये जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, तो ये हमने दो क्वेश्चन कर लिए, एक मैंने आपको प्रॉपर करके भी दिखाया, तो उस तरीके से करना है। मैं आपको फिर से बता देता हूं, आप क्या करेंगे, ये जो एक एक्स लेंगे और एक्स को कहेंगे ये होगा हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, वाई लेंगे हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये बना लेंगे आप। एक्स इसमें आप देखिएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक आएगा, वाई आपका जो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा है, और प्लस ए लीजिए ए ट्रांसपोज लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, डिवाइड बाय टू करिए एक्स आ जाएगा, और फिर उसके बाद ए माइनस ए टी ए लीजिए ए का ट्रांसपोज लीजिए, घटा दीजिए हाफ से डिवाइड कर दीजिए, फाइनल आंसर आपका एक्स प्लस वाई लिख देना, सॉल्यूशन यहां पर है, ये हम कर भी चुके हैं। एक्सप्रेस द मैट्रिक दैट एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, वेरीफाई द रिजल्ट, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन अभी हमने मैंने प्रॉपर करके दिखा दिया आपको, थोड़ा सा मैं आपको गाइड एक बार और कर देता हूं। ए मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज निकालिए इसका, आपको एक्स को लिखना है ए प्लस ए टी और हाफ, ए इन दोनों को जोड़ दीजिए हाफ से डिवाइड कर दीजिए, ये फिर इसका ट्रांसपोज निकालिए, ये इसके बराबर आना चाहिए, अगर एक्स टी एक्स एक्स के बराबर आ गया इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक है। वाई लेंगे ए माइनस ए टी, यानी कि आप इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, जो सबट्रैक्ट के बाद इसको ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज जो है इसके नेगेटिव के बराबर आना चाहिए, नेगेटिव के बराबर आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक है। फाइनली आप इस एक्स और इस वाई को ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देंगे, ये फाइनल रिजल्ट। तो ये बात हुई आपके स्क्यू सिमेट्रिक और जो आपका नॉर्मल मैट्रिक है उसका। धन्यवाद।